अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के उमर ब्लॉग। तो मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज है जुम्मे का दिन और सबके लिए खुशी का दिन है, मेरे लिए थोड़ा और डबल खुशी का दिन है। मैंने 4 साल पहले मैं गया था गांव, फिर मैं अब जा रहा हूँ। हाँ, कुछ 3-4 साल हो गया, ऑलमोस्ट 4 साल हो गया। अब मैं इतना पूरा बता नहीं सकता प्रॉपर, लेकिन तो भी भाई मैंने कल्याण गया हूँ, मतलब मैं स्टेशन पे गया हूँ अपनी खाला को छोड़ने, बहन को छोड़ने, बड़ी अम्मी को छोड़ने, बड़े अब्बू को छोड़ने, मतलब आधे घर वाले लोग को मैं लेके गया हूँ। बस वो ट्रेन से मैं वापस घर आ गया बाकी, और आज मैं वही ट्रेन से मैं जा रहा हूँ गांव। चलो पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। और बात रही है, कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेले जा रहा हूँ। जैसे कोई मतलब साथ देने वाला, कंपनी देने वाला कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले हूँ। बस उस बात की मेरे को डर लग रही कि अपना भाई पहला सफ़र है, कैसा सफ़र रहेगा। चलो बस यही मैं सोच रहा हूँ, मेरे को कल रात से मैं सोच रहा हूँ कि भाई सफ़र कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। चलो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा भाई, अच्छे से गुजरेगा। कुछ नहीं भाई, बस अल्लाह पे भरोसा रखना है और दुआ पढ़ के निकल जाना है। मैं भी भाई अकेले हूँ, और मैं अम्मी को भी बोलूँगा, अम्मी मेरे लिए दुआ करते रहना कि मैं सही सलामत पहुँच जाऊँ। वो तो पहुँच ही जाऊँगा इंशाल्लाह मैं। और निकलते हैं नीचे, अपने भाई लोग खड़े हैं, मेरा बैग भी पैक हो गया। मैं ज़्यादा बैग भी नहीं लेके जा रहा हूँ, एक ही बैग लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ 10 से 15 दिन रुकने का है, मेरे को 10 से 15 दिन रुकने का है। तो अम्मी से पूछा तो कितना छोटी कपड़े लेके जाओ, तो एक बैग बना के दिए और एक खाने का झोला है। चलो अभी निकलते हैं भाई, ज़रा से भी लेट नहीं करते, क्योंकि अभी ट्रेन का भी टाइम होने वाला है, वही है 11:55। चलो चलते हैं। ये मेरा बैग है, ये शोल्डर बैग है, ये मेरा इसमें कपड़ा है, और इसके अंदर है चादर है और खाना है मेरा, और ये बैग में लिया हूँ ये। और चलो अभी निकलते हैं भाई, मैं निकल गया हूँ अभी। अभी तो फ़िलहाल मैं वो घर से अबू बकर लेके मेरा बैग लिया हुआ है। वालेकुम सलाम। और नीचे भाई लोग भी खड़े हैं, भाई अपने दोस्त लोग, अहमद भाई नीचे बुला रहे भाई। अस्सलाम वालेकुम, और क्या हो रहे इस्माइल भाई, और अपने ये अहमद भाई, भाई R1 लेके आके खड़े हैं, भाई FZ लाके खड़े हैं, और किसी को भी लेने गए भाई। तो अभी हम लोग कल्याण पहुंच गए, अहमद भाई और अपने अरकम भाई को भी ले लिए। मेरे को डर भी लग रही है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, वो भी अकेले। मतलब वैसे तो मैं गया हूँ, ऐसे फैमिली के साथ गया हूँ मैं, अभी मैं अकेले जा रहा हूँ। और मेरे को डर भी लग रही है भाई, कैसा सफ़र रहेगा मेरा। उससे चलते ना भाई, चार पे अपना अपना लग गया भाई। तो अभी हम लोग स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग अपनी। थोड़ा टाइम है ट्रेन को, इधर अहमद भाई का हेलमेट ही नहीं उतर रहा है, इधर अरकम भाई अपने भाई। सफ़र देखने का भाई, कैसा रहेगा मेरा सफ़र। मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी साहब, क्योंकि पीछे से ट्रेन की आवाज़, तो माइक में से आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी मुँह से भी और दिल से भी। और इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, साथ में मिल के। तो अपनी ट्रेन आ गई और अपने भाई लोग इधर खड़े हैं, और क्या बोल रहे भाई लोग। हाँ भाई, भाई बस दुआ में याद रखना, बातों में याद रखना, आ गया अपने। चलो हाँ भाई, आता हूँ मैं, जल्दी आऊँगा। तो अभी मैं कसारा से निकल चुका हूँ, और भाई मेरे को मज़ा नहीं आ रही, मालूम क्या, अकेले हूँ ना मैं, बहुत बोर लग रहा है मेरे को। अब मेरे को मालूम भी नहीं मैं आप लोग से कहाँ कहाँ मिलूँगा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी साफ, ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी ज़्यादा, उसके लिए भी सॉरी। आ गया, आओ सफ़र देखते भाई, सफ़र काटते हैं। हाँ मैं तो अभी फ़िलहाल मैं ऊपर हूँ, और अभी मैं कसारा से निकल चुका हूँ, ऊपर बैठा हूँ मैं एक जगह पा के। हाँ भाई, टाइम गुजारने गए अपने को, देखते हैं। तो अभी मेरे को भूख लग गई, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। इधर बैठे बैठे भी थक गया मैं भाई, आधे घंटे से मैं बैठा हो जाए। आओ चलो खाना खाते, देखते हैं क्या अम्मी ने दिए है खाने में।
आओ खाना भी देखते हैं भाई। ये मेरे खाने की थैली, इसमें चादर भी है ओढ़ने के लिए, अम्मी ने दे दिए थे, बोले ठंडी लगेगी लेके चले जा। आओ निकालते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। इसके अंदर चिकन फ्राई है, वाओ। लेकिन मेरे को अभी चलाने का है, अभी भी और रात में भी खाने का है। और इसके अंदर कुछ पराठे जैसा है, सुहारी बोलते इसको। तो आओ चलो फिर खा के मिलते हैं आप लोग से। तो अभी हम लोग इगतपुरी पहुंच गए हैं, मेरा खाना खा के भी हो गया, मैं खाना भी खा चुका। हाँ इगतपुरी अभी हम लोग पहुंचे हैं, तो सोचा आप लोग से मुलाकात कर लूँ। अभी ट्रेन रुकी हुई है और मैं ऊपर ही बैठा हुआ हूँ। ये सिर्फ एक बैग मेरा है और जो मेरे साथ है एक और भाई, जान पहचान नहीं है, मतलब भाई अभी जान पहचान हुई है, वो भी भाई अनजान थे, मैं भी अनजान था, भाई हो गई मुलाकात, हो गई हम लोग दोनों की। बाकी उनका सामान है। मेरा तो ये एक बैग है और एक ये है, बस ये दो है मेरे पास। अब चलो देखते हैं कहाँ मुलाकात होती है अपनी। अभी क्या करते हैं यार, कुछ आइडिया दो तुम लोग। चलो ये देखो, ये सामने वाली सीट है, मैं इधर बैठा हूँ। चलो अभी मिलते हैं कोई, जब नया मतलब कोई दूसरा स्टेशन आएगा तब आप लोग से मिलते हैं। वीडियो पे बने रहो। और हाँ एक मिनट, ये मैं सुना हूँ इगतपुरी का चाट बहुत फेमस है। तो भी भाई अभी तो फिलहाल मैं ट्राई नहीं मारूँगा भाई, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे को बाहर नहीं निकलने का है, खाली फोकट कुछ मतलब नहीं भाई बाहर निकल के, किसी और दिन खा लेंगे भाई। जैसे मतलब मेरे को अब्बू बोले, दोस्त लोग बोले इगतपुरी का चाट एक नंबर है भाई, अच्छा है इगतपुरी का चाट, फेमस है। लेकिन अभी मैं अपन आजमाएंगे नहीं आज, नेक्स्ट टाइम भाई, कभी और दिन हम मिलते हैं कोई दूसरे स्टेशन पे। तो अभी 5:30 हो गए, एक मिनट है, तो अभी 5:30 हो गए, सब अभी सो रहे हैं, सब थक गए और मैं अभी भी जाग रहा हूँ। मैंने बीच वाली सीट खोल लिया हूँ, बीच वाली सीट खोल के मैं सोया हुआ हूँ। ऊपर जो मेरे साथ थे भाई वो ऊपर सोए, आप लोग भी देखो भाई, ये देखो ये बीच वाली सीट है, ये ऊपर वाली सीट है, काला नमक वाला टाइम पास है। अभी भुसावल आने वाला है, तो भुसावल पे मिलते हैं, फिर बात करते हैं आप लोग से। चलो तो अभी हम लोग भुसावल पहुंच गए हैं, अभी ट्रेन रुकी हुई है, मैं उतरूंगा नहीं, मैं बाहर से ही दिखाऊंगा कि मैं उतरूंगा नहीं भाई, मैं उतर के नहीं दिखा सकता, सॉरी। भुसावल पहुंच गए, आया था मैं बाहर वड़ा पाव लेने के लिए, सोचा वड़ा पाव ले लेता हूँ, तो वड़ा पाव लेके अभी मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं इटारसी पहुँच गया हूँ, अभी कुछ 10 मिनट रुकी है, तो मैं बाहर स्टेशन पे खड़ा हूँ। मैं अभी टहलने के लिए कुछ ले नहीं रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल भाई, सफ़र तो बहुत बोर जा रहा है मेरा सफ़र, क्योंकि अकेले हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आ रही भाई सफ़र में। इटारसी का बोर्ड, ये इटारसी, और मेरे साथ ये भाई है भाई, हम लोग साथ में उतरे हैं। हाँ भाई पानी ले लिए पीने के लिए, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है। हाँ भाई बोले कि रात में भाई अगर प्यास लगी तो क्या करेंगे, तो भाई पानी लेके घूम रहे हैं। तो भाई अभी चाय के बारे में पूछ रहे, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊँगा। ये है मालगाड़ी, कोयले की ट्रेन है। हाँ टाइम पास के लिए मैं वेफर ले लिया हूँ, इधर से पानी काहे का निकल रहा है यार, ये टाइम पास के लिए वेफर ली है भाई।
खाने के लिए। चलो अभी अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग इटारसी से निकल गए हैं और अभी सब सो रहे हैं। लाइट उट बस सब बंद कर दिए तो मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा होगा कि अंधेरा है ना इधर, इसलिए अभी चलो अब सुबह मिलते हैं। अभी मैं जा रहा सोने के लिए, अब सुबह मुलाकात करते हैं। मैं आता हूँ तो सुबह मुलाकात करता हूँ। अभी तो सब सो रहे हैं लाइट उट बंद करके, तो मैं ऊपर सोया हुआ हूँ इधर। जो मेरे भाई जो साथ में है भाई वो नीचे सोए है। चलो तो आप सुबह मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। तो अभी हम लोग जौनपुर पहुंच चुके हैं। अभी जौनपुर रुकी है गाड़ी और मेरी सुबह भी हो गई। मैं अभी सो के उठा हूँ। मैं देखा तो जौनपुर आ गए तो मैं थोड़ा बाहर निकला ऐसे टहलने के लिए। अभी हम लोग फूलपुर से निकल चुके। फूलपुर भी आ गए। हम बस एक मिनट रुकी हुई की, एक मिनट भी नहीं, एक मिनट बहुत हो गया, 45 सेकंड रुकी होगी। तो ट्रेन अभी निकल गई फूलपुर से भी और साथ में भाई है मेरे। हाँ भाई सफ़र काटते हैं भाई। सरायमीर में अभी टाइम है भाई। हाँ भाई 4:30 बजे पहुँचेगी। 4:30 बजे पहुँचेगी। तो हम लोग भाई फाइनली पहुंच गए हम लोग सरायमीर अपने गांव, सुकून की जगह। 15 से 18 दिन रहने गए। अभी तो फ़िलहाल मैं सब पूरा अपना मैं पूरा बैग दिखा दूँ। मेरा तो 2 ही बैग है और बाकी भाई जो मेरे साथ थे भाई उनका कुछ 6 है, उनका तो बहुत ज़्यादा है। और उधर भाई भाई आ गया है मेरा, भाई अम्मार भाई, बड़े अब्बू का लड़का, वो आके खड़ा हो गया। मैं उसको फ़ोन कर दिया था, हाँ वो आ गया अभी। चलो मज़ा आएगी भाई, पहुँच गया भाई। मेरा भाई एक दिन में से कट तो गया। मैं सोच रहा था भाई कैसे कटेगा, फाइनली कट गया भाई। भाई कट गया अभी। देखो ये पूरा बैग मेरा नहीं है, मेरा ये वाला है, ये और ये 2 है। बाकी आधा वो भाई का है, आधा इनका है, ये अंकल का। आ गए हैं अभी, तो आ गए तो सोचा चलो अभी गेट पे खड़े हो जाते हैं। आ ही गए, पहुंच गए ऑलमोस्ट। वहाँ पहुंच के मिलते हैं, चलो सरायमीर स्टेशन पे। फाइनली पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, और खैरियत? चलो हाँ बस। तो अभी हम लोग निकल गए अभी घर के लिए। अभी रास्ते में ही है, कुछ 15 मिनट का रास्ता है। तो अभी मैं घर पहुंच के मिलता हूँ आप लोग से। नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं आप लोग से बात करता हूँ। तब तक का वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ और आप लोग मिलिए इससे। सलाम अलैकुम, टाटा, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। ऐसा कर दो, कैसे हो? ठीक हो? तो अभी मैं पहुंच गया हूँ। नहा धो के मैं फ्रेश भी हो गया, कपड़ा भी चेंज कर लिया हूँ मैं। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो बस मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलना, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक का पहुँच सके। बाय बाय।